अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निदा यासिर की वालदा इंतकाल कर गई हैं। जब इनकी वालदा इंतकाल कर गई थी, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। ये अपनी वालदा के पास नहीं थी, बल्कि ये मालदीव घूमने फिरने गई हुई थी। तो अचानक ही इन्हें अपनी वालदा की खबर मिली, तो ये फौरन ही वापिस आ गई। और उसके बाद हमें ये शो करती नजर नहीं आई। इनके जितने भी शो आ रहे थे वो सब रिकॉर्डेड थे। निदा यासिर ने जितने भी मॉर्निंग शो किए हैं, लोगों ने बेहद पसंद किए हैं। कभी ये मेकअप कॉम्पिटिशन करवाती हुई नजर आती हैं, तो कभी ये मुख्तलिफ अदाकारों को बुलवाकर उनसे गेम्स करवाती हैं और उनके इंटरव्यूज करती हैं। और वहीं पर अगर इनके शो में कोई गलती हो जाए तो ये अपने मदाहों से माफी भी मांग लेती हैं, और लोगों को इनकी ये बात बहुत पसंद भी है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निदा यासिर की वालदा इंतकाल कर गई हैं, तो इनके मताहों को ये उम्मीद नहीं थी कि ये शो करेंगे। इसके अलावा निदा यासिर पर काफी मीम्स बन रही थी और लोग कह रहे थे कि इन्होंने अभी तक अपने शो पर दाना नीर को नहीं बुलाया, जिसका नाम पार्टी गर्ल से मशहूर है। मैं हूँ निदा यासिर, मेरे साथ है दाना नीर और दारा नीर और हमारी पार्टी हो रही है। मगर निदा यासिर ने अपनी वालदा के इंतकाल के बाद जो पहला शो किया, उसमें उन्होंने दाना नीर को बुलवा लिया। सब मताहों को यही हैरानगी थी कि वो पहला शो किसका करेंगी, किसका इंटरव्यू अपने शो पर करेंगी, जिस वजह से उन्होंने दाना नीर को अपने शो पर बुलाकर अपने मताहों को, लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। लेकिन फिर जब इनका शो आया, तो तमाम लोगों ने इनका शो बहुत ज़्यादा पसंद किया। इनके शो की बहुत ज़्यादा रेटिंग आई, क्योंकि दाना नीर तो पहले ही फेमस थी, कुछ इनके शो पर आ गई, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर और चांद चांद लगा दिए और हर जगह पर निदा यासिर और दाना नीर ही थे। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा।